9 बजे की 9 बड़ी खबरों में ही आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी शामिल हुए। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला लिया गया कि 23 जून को री एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट आएगा। दिल्ली में जल संकट को रोकने के लिए 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट से कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए पानी नहीं है। कुवैत के मंगाव शहर में 6 मंजिला इमारत में बुधवार को आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें से 42 भारतीय थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत और कनाडा का मुकाबला 15 जून को फ्लोरिडा में होगा। इससे पहले फ्लोरिडा शहर में 3 दिन के लिए भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से फैंस ICC से मैच कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। MP के बुधनी में एक बाइक को बचाने के चक्कर में एक बस पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 14 लोग घायल हैं। MP सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। MP सरकार ने कहा कि 24 घंटे तक मॉल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है, जहां सांसद विवेक बंटी साहू, PHU मंत्री समेत पूरा गांव उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा। इंदौर में एक युवक ने सड़क किनारे खड़े स्ट्रीट डॉग के सिर पर डंडा मारा, जिससे डॉग निढाल होकर वहीं गिर गया। इसके बाद युवक ने उसे पैर से पकड़कर घसीटने लगा और सड़क पर लाकर पटक दिया। ये पूरी घटना वहां के CCTV में कैद हो गई है। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।